जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अक्सर चप्पल हम सभी लोग पहनते हैं और उसमें भी कई कलर्स हम पहनते हैं, तो वो कौन से कलर्स जो हमें नहीं पहनना चाहिए, जो हमारे ग्रहों को डिस्टर्बिंग करता है, खासकर आपकी राशि के लिए, और हमें उससे कई सारी परेशानियां शायद मुझे लगता है कि देखना पड़ती है। तो छोटी छोटी सी बातें, लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा और बहुत इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसलिए वो कौन से तीन कलर हैं, हम आज उन पर बात करेंगे। वो चप्पल के कलर हमें नहीं पहनना चाहिए, उनसे जितना हो सके उतना बचना चाहिए, और एक बहुत ही अच्छे और साधारण तरीके से हम हमारे ग्रहों को एक छोटे से उपायों से मजबूत कर सकते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। पर शर्त ये है दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और कमेंट्स में आप लिखें ओम नमः शिवाय। और अगर अपनी कुंडली का आप एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। अब रही बात सबसे पहले कि कभी भी हमें जीवन में, चाहे कुछ अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, पर कभी भी किसी के दान करे हुए चप्पल नहीं पहनना चाहिए। मतलब चप्पलों का जो दान है या किसी के भी चप्पल हमें नहीं पहनना चाहिए, दान में नहीं लेना चाहिए। अगर दान में लेना भी है, कि कई बार ये सिचुएशन बन जाती है, तो उसका एक रुपये आप मूल्य दे दे, कुछ भी धन दे दे, एक रुपये दे दे, दस रुपये दे दे, ग्यारह रुपये दे दे, कुछ भी दे दे और फिर उस दान को आप ग्रहण करें। क्योंकि चप्पल जो है वो शनि को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी कर्म भाव है, कर्म का फ्रीडम हम और आप सभी के पास है, आप जो भी पॉजिटिव कर्म करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, तो वो आपकी आज़ादी है, तो वो शनि को इफेक्ट करता है। और जो शनि है आज के इस युग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर बहुत ज़्यादा व्यक्तियों को मैंने प्रभाव देखे हैं जीवन में, और कई बार बहुत ज़्यादा तकलीफें झेलना पड़ती है। जैसे शनि की साढ़े साथ ही लोगों को चलती है, ढैया चलती है, तो उस दरमियान इन चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो पहली और मुख्य बात ये याद रखना। दूसरी बात ये याद रखें कि जब भी चप्पल टूटे फटे या जो भी हो, तुरंत उन्हें बदल दें। उन्हें कोशिश करें कि अगर उनका कलर उतर गया, भद्दे से लग रहे हैं, कई बार बहुत से जातक ऐसे देखें कि वो एक ही चप्पल को कई दिनों तक, कई सालों तक है, धन भी है उनके पास, सब है, लेकिन फिर भी वो पहनते रहते हैं क्योंकि वो टूटती नहीं है। तो कोशिश करें कि साल भर, आठ महीने, छः महीने में चप्पलों को बदलते जरूर रहें, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी पॉजिटिव हो सकती हैं। अब रही बात कलर्स पे, हम आते हैं, हम बहुत सारे ऐसे इफेक्टिव कलर पहनते हैं, खासकर ब्लैक ज़्यादा पसंद करते हैं लोग और अपनी अपनी पसंद से पसंद करते हैं, लेकिन सबसे पहले पीले कलर के चप्पल जितना हो सके उतना आप बचें, जितना बचेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा है कि इस युग में जैसे फॉर्मल में ब्लैक तो पहनना ही है, लेकिन वो फॉर्मल हम जब भी, क्योंकि कंपनीज और इनमें तो ब्लैक कलर हमें पहनना, पर ब्लैक से भी जितना हो सके उतना आप बचे, मतलब वहाँ पहन सकते हैं लेकिन घरेलू जैसे स्लीपर हो वो ब्लैक नहीं। अब 8 घंटे की ड्यूटी, 10 घंटे की ड्यूटी है तो वो तो पहनना है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उसमें भी अगर आप कलर्स थोड़ा सा बदल सकते हैं तो वो कोशिश करें, वो अच्छा रहेगा। तीसरा होता है लाल कलर। लाल कलर से भी एकदम, ये जितने भी कलर हैं ना, वो एक कलर की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब वो इफेक्टिव डायरेक्टली एक ही कलर के पूरे चप्पल होते हैं ना, जो पूरे जो तेज कलर होते हैं, मतलब जो बहुत हाईलाइटेड और तेज कलर होते हैं, इन कलरों से हमें बचना चाहिए सामान्य तौर पर भी, और इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव है। और लोगों को आप मदद करते रहें, भूखों को भोजन कराते रहें, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और इसके अलावा अच्छा लगा, लाइक करें।